हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरएस टेक्निकल गुरु चैनल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और वीडियो के एक एक पॉइंट को बहुत ही सीरियसली नोट डाउन करना है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो हम आपको बता दें, चैनल पर काफ़ी सारी नई वीडियोज़ आई हुई हैं जो कि आप यहाँ पर अपलोड सेक्शन में आकर के वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर सारी की सारी वीडियोज़ मोस्टली आधार सर्टिफिकेट कैसे बनता है और आधार क्रेडेंशियल कैसे बनता है, ठीक है, सारी जानकारी दी गई है इसके बारे में। तो यहाँ पर आप आकर के देख सकते हैं, ठीक है। पीएनबी का अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं आप, काफ़ी सारी वीडियोस न्यू आई हुई हैं, तो चैनल पर देखना ना भूलें। और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आधार यूसीएल का अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम आधार यूसीएल लॉगिन कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी, जब आप आधार नंबर डाल करके और रेजिडेंट कंफर्मेशन कर देते हैं, थंब इम्प्रेशन और ऑपरेटर का भी कंफर्मेशन कर देते हैं, तो आपके सामने एक प्रॉब्लम ये आ रहा होगा यहाँ पर कि आपका यहाँ पर फाइंड आधार का जो ऑप्शन होता है जो डिसेबल आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी के बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान से इस स्टेप को देखिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करें इस स्टेप को, क्योंकि फिर आप समझ नहीं पाएंगे। देखिएगा क्या होता है, यहाँ पर आप आधार नंबर डाल देते हैं और रेजिडेंट का सबसे पहले आप फिंगर लगवाते हैं, फिर इसके बाद में ऑपरेटर यानी कि अपना खुद का लगाते हैं, फिर इसके बाद में आप आते हैं यहाँ फाइंड आधार पर क्लिक करने के लिए, तो यहाँ पर क्लिक नहीं होता है। तो यहाँ पर क्लिक, ये एक टेक्निकल कोई बग, आप यहाँ पर दोनों फिंगर लगवा देते हैं, आप यहाँ पर सबसे पहले रेजिडेंट कन्फर्मेशन कर देते हैं, इसके बाद में ऑपरेटर कन्फर्मेशन कर देते हैं, फिर भी यहाँ पर फाइंड आधार का एक ऑप्शन जो होता है ये इनेबल नहीं होता है। ये सीएससी की तरफ से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है फ्रेंड्स, जिसके कारण आप यहाँ पर ये ऑटोमेटिक इनेबल नहीं होता है, इसको इनेबल करना होगा। तो कैसे इनेबल करना है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको आ जाना है लाइफ साइकिल वाले ऑप्शन पर और इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको लाइफ साइकिल वाले ऑप्शन पर आ जाना है, इस पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे लाइफ साइकिल पर, तो ये फाइंड आधार का ऑप्शन ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा और ये इस पर क्लिक होने लगेगा, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगी, जहाँ पर जो अपडेशन होता है अपडेशन की विंडो ओपन हो जाएगी, वहाँ पर आप एड्रेस नाम सारा कुछ चेंज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक सीधा सा सॉल्यूशन है फाइंड आधार ऑप्शन को इनेबल करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इतना सा आज का वीडियो, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और इसके साथ आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे मुझको एक आइडिया मिलेगा और आपकी निश से रिलेटेड मैं वीडियोज़ आपको दे पाऊँगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।